हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट पढ़ेंगे। मतलब अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए अलग अलग यूनिट्स के बारे में। द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट आर मीटर, ग्राम एंड लीटर। मीटर का यूज़ हम लोग करते हैं लेंथ नापने के लिए, यानी कि लंबाई नापने के लिए। किसी भी चीज़ की लंबाई बताने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं। ग्राम का यूज़ हम लोग मास यानी कि वज़न बताने के लिए करते हैं। लीटर का यूज़ करते हैं वॉल्यूम बताने के लिए या कैपेसिटी। किसी भी चीज़ की कैपेसिटी बताते हैं वो लीटर में। कैपेसिटी मतलब क्षमता। लेंथ को मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स हैं उसमें हायरार्की टेबल बना हुआ है। हायरार्की टेबल मतलब जो सबसे बड़ा यूनिट है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उससे छोटा यूनिट उसके नीचे, और उससे छोटा यूनिट उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। यानी कि किलोमीटर जो है वो सबसे बड़ा है और मिलीमीटर सबसे छोटा है। सेम इसी तरीके से मास को मेज़र करने के लिए ग्राम का यूज़ करते हैं, और इसी में ग्राम में ही हम लोग लगाते हैं क्या, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किलोग्राम मतलब सबसे बड़ा यूनिट, और मिलीग्राम मतलब सबसे छोटा यूनिट, और हेक्टोग्राम किलो से छोटा है, डेका जो है हेक्टो से छोटा है, ग्राम डेका से छोटा है, डेसी ग्राम से छोटा है, और सेंटी जो है डेसी से छोटा है, और मिली सेंटी से छोटा है। सेम इसी तरीके से किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, ये क्या डिसाइड करते हैं? बिगर और स्मॉलर यूनिट्स को। नेक्स्ट पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में। जैसे ये किलोमीटर है, किलोमीटर को अगर हमको चेंज करना हो मीटर में तो कैसे करेंगे? किलोमीटर से अगर मिलीमीटर में चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे? या हेक्टोमीटर से किलोमीटर में चेंज करना हो, या सेंटीमीटर से डेकामीटर में चेंज करना हो, किसी भी यूनिट्स को किसी भी दूसरे यूनिट्स में चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। यानी 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 1, 2, 3, 3 0 है, यानी 1, 2, 3, 3 लगा के और मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। सिमिलरली अगर 1 मीटर में मिलीमीटर देखें तो कितना आ रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने जीरो है? 1, 2, 3। इट मीन्स 1 मीटर में कितने होंगे? 1000 मिलीमीटर। हेक्टोमीटर से देखते हैं सेंटीमीटर में, हेक्टोमीटर में कितना है, हेक्टोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में कितना जीरो आ रहा है? 1, 2, 3, 4। यानी 1 हेक्टोमीटर में कितना होगा? 1 पे 1, 2, 3, 4, 4 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग किसी से भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया कि बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे कि मल्टीप्लाई कर रहे थे, जितने जीरो है उतने का मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन जब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाएंगे तो जितने जीरो है उतने जीरो का डिवाइड करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर जाना हो मिलीमीटर से मीटर में जाना हो, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? तो देखिए कितने जीरो है मीटर और मिलीमीटर के बीच में, 1, 2, 3, 3 0 है, मतलब 1/1, 2, 3, ये हो गया डिवाइड। कितने जीरो से? जितना इनके बीच में है, और यहाँ पे लग जाएगा मीटर।
मतलब 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होता है। दूसरा देखते हैं, मान लीजिए अगर डेसीमीटर से जाना हो किलोमीटर में, तो डेसीमीटर से किलोमीटर के बीच में कितना जीरो है, 1, 2, 3, 4, 4 है। मतलब 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/1 पे कितना जीरो होगा, 4, 1, 2, 3, 4, 4, और किस में जाना है हमको, किलोमीटर में, तो किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा।